हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था तभी मेरी शोल्डर गन खराब हो गई, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक शोल्डर गन बनाएं। तो चलिए शोल्डर गन बनाते हैं। तो हमें चाहिए 7805 रेगुलेटर आईसी, जो कि 5 वोल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। तो हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ, बीच में हमें नेगेटिव और पहले लेग पे पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे और इसकी तीसरी लेग पे 5 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह ऐसे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब हम इसका शोल्डर गन बनाएंगे। तो मैंने लिया है एक 5 वोल्ट पावर सप्लाई, तो आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट इस पे आ रहे हैं। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो मैंने रेगुलेटर ऐसे लिया है, इसकी जो पहली लेग है इसे हमें मुड़ के बाजू में कर देना है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो अब हम जो आईसी की बीच वाली लेग है इसे हम पॉजिटिव और तीसरी लेग को नेगेटिव कनेक्शन दे देंगे। तो जैसे हम वोल्टेज चालू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हीटिंग होना स्टार्ट हो गया है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी देर में ये आईसी हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इस शोल्डर वायर को ये कितने ही आसान तरीके से पिघला रहा है। आप देख सकते हैं कि थोड़े सेकंडों में ही ये इतना गर्म हो गया है। अभी थोड़ा और वेट करेंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो हम इसे इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसका डेमो देखेंगे कि इससे डिसोल्ड और शोल्डरिंग होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं वही ऐसी है। अब मैं एक एलईडी स्ट्रिप ले रहा हूँ, इसे मैं इस पर रख के, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से एसएमडी को रिमूव कर रहा है। ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसे आप शोल्डर गन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसे शोल्डर डिसोल्ड कर रहा है। तो इसे मैं शोल्डर करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे शोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, आप देख सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा हीट हो गया है तो ये बहुत ही आसानी से शोल्डर को पिघला रहा है। आप देख सकते हैं आईसी वही है 7805, जो कि एक रेगुलेटर आईसी है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो मैंने लिया एक एमसीपीसीबी, इसे भी आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये डिसोल्ड कर रहा है। तो ये आप एसएमडी पार्ट्स को निकालने के लिए और लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर शोल्डर भी इससे कर सकते हैं। तो मैं अब आपको रेगुलर शोल्डरिंग भी करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये शोल्डर हो रहा है। अब मैं इसे आपको एक रेगुलर शोल्डर भी करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक एमसीपीसीबी लिया है, आप देख सकते हैं, इसे मैं आपको शोल्डर करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो शोल्डर पॉइंट है इसे हम इस तरह से शोल्डर कर सकते हैं। तो इसे हम इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो ये बाद में ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।